नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। एक गोली बख्श पर कुछ देर पहले ही लगी है, मैं कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी से दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं इस तरह पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ, कहते हैं सैनिक चिरनिंद्रा में खो गया। ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। दो पंक्तियाँ वो अपने पिता के लिए लिखता है। जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, जितनी भारी लगती है ये शेष नाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। महसूस कीजिए कैसा लगा होगा उस पिता को जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा दिया, मुखाग्नि दी। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमां सिर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।